तो व्हेन मुझे ये मौका मिला वापस ये फिल्म करने का, आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, आई वॉज लाइक यू नो आई नीड टू डू दिस फिल्म बिकॉज आई वॉन्ट चिल्ड्रन टू कम टू द थिएटर, आई वॉन्ट फैमिलीज टू कम टू द थिएटर, एंड दैट्स बीन माई नंबर वन थिंग सिंस आई बिकेम एन एक्टर, सिंस स्टूडेंट ऑफ देयर, इवन वेन मै तेरा हीरो हैपेंड, बिकॉज आई रिमेंबर सम ऑफ द बेस्ट टाइम्स आई हैड विद माई फैमिली और विद माई मासीज, विद माई कजिन्स, विद माई फ्रेंड्स हैव बीन व्हेन आई हैव गॉन टू द थिएटर. मैं इधर ही चंदन जाता था एंड आई रिमेंबर उस वक्त बालकनी की टिकट 80 rupees की होती थी एंड यूड गेट अ beverage for like 10 rupees or something, and I would go samosa leke, and I would go and I would watch films and I would be just like, this is the world I want to be in, not this world, I want to go into that world, and those films would transport me there. So that's the idea with Judwa too. I want kids to come, I want families to come to the theater, and it's so important that we make films for them where a mother feels, okay, you know, I can take my children and I can take their friends and come to the theater, and Judwa too is that film. I want to tell all the families that the reason he's made it, the reason we all are part of this film is because we want children and we want families and we want the youth and adults to come. But primarily, jab bacche khush ho gaye, to pura country khush hoga na. And Varun, Varun, another question over here, right? You know, how was it? You know, was there an attempt from the part of entire team to retain the essence of Judwa 1 but yet make it look different completely? I think he should answer that. More of a reboot, actually, you know, this film. And, you know, that is why I liked something in the film. That's why I made it again. You understand? I was not writing a new script. I had there's some 8-10 scenes of the film which I loved it and which people loved it that time also. So that made me do the film. The rest, it's very today's film. The whole look, it's shot in London. We have the look, the language, everything is different. The music, we've got the best two songs in the film. Chalti Ke Nau Se Bara and Uchiye. And that's made the difference. I must thank one person for that. That's Anu Malik. Anji, sir. He's made me do the film. Because of those songs, I thought I can do it. Yeah. David, sir, aap ek sawal puchna chahte the. Puchhiye. इसलिए मुश्किलें कम हो गई क्योंकि टेक्निक सब चेंज हो गई. बहुत मजा है. आई थिंक इट इज वेरी इजी टू शूट अ डबल रोल फिल्म टुडे, बट योर एक्टर हैज टू बी, ही शुड नो बोथ द रोल्स वेरी वेल. मैं आपको बता देता हूँ ये फिल्म कैसे शूट हुई थी. तो हम लोग लंदन में थे फॉर अराउंड 2 months. तो इनका जो रूम था, मैं इनका नेबर था, बगल में इनके मेरा रूम था. तो जब शूटिंग करके आते थे, जिम हो जाता था, बोलता था वरुण सो जाओ, तो मैं सो जाता था. जब उठ के जाते थे, वरुण उठ जाओ, उठ के जाओ. तो मेरी कोई और ज़िंदगी नहीं थी वो 60 days के लिए. मैं बस शूटिंग ही कर रहा था. शूटिंग के बाद मुझे पता था कि मुझे अच्छा दिखना है कल के लिए, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी फ्रेश इन हिज फिल्म्स. एंड फ्रेश मतलब सुबह में गुड मॉर्निंग भी गुड मॉर्निंग, ब्राइट मतलब कि मतलब सर ही लाइक्स इट. अगर आप ऐसे आ जाओ तो इसे क्या ढीला तू यार, क्या यार लाइफ में एनर्जी तो चाहिए ना. Loudly, अगर कुछ पसंद नहीं है तो loudly बोलते हैं, बहुत खराब है, रबर है, रबर तू जा, चल चल जा. माइक के बिना वो भी हाँ. माइक के बिना मतलब जो बेइज्जती होती है वो दिल पे लगती है सीधा. एक्चुअली जो दिल में है वो मुंह में होना चाहिए, कोई बनावटी नहीं. डेविड सर आपके राइट, डेविड सर आपके राइट है. सर हियर अमित फ्रॉम दैनिक जागरण. डेविड सर जो मतलब जुड़वा आमतौर पर 2-3 तरीके के होते हैं टेक्निकली. एक मिस्टेकन आइडेंटिटी होता है, एक जो हमने मतलब फेस ऑफ में देखा था कि चेहरे बदल देते हैं. मिस्टेकन आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहले कब आया था इंडियन सिनेमा में या मतलब वर्ल्ड सिनेमा में? ये तो शेक्सपियर का आई थिंक उस जमाने का है, और लोगों ने बहुत गोलमाल बनी, बहुत फिल्में बनी हैं. उससे पहले 2-4 बनी किशोर कुमार की. तो मिस्टेकन आइडेंटिटी ये कब से चली आ रही है, और कुछ मेकर्स तो रेगुलर यूज करते हैं इसको. बिना मिस्टेकन आइडेंटिटी के आप डबल रोल बना ही नहीं सकते, मज़ा ही नहीं है. You know, if you want to interest the audience, is that? But this film is about identical twins, and obviously, wo comedy of errors ka that part is there. What he's saying, and I think as an actor also, jab maine inse pucha ki obviously Judwa to maine dekhi thi. He told me to watch Gulzar Saab's Angoor, and that's been a big inspiration for me. I think jis tarike ka kaam Sanjeev Kumar ne kiya hai,
He's one of the best actors. And Deven Verma, I think one of the best actors we have in Indian cinema. Even Sridevi's Chalbaz, wo bhi maine dekhi thi kaafi, do teen baar dekhi thi maine. To usme bhi bahut maza aaya. In fact, Anupam sir was very instrumental, jinke saath maine role kaafi discuss kiya. Kyunki he's acted in so many films ja double roles. He was in Judwa 1 also. He was in Judwa 1, he's part of Judwa 2. He was part of Chalbaz also. Yeah, yeah. Actually, he's in all my films, he's there. David sir, aur ye role, ya, matlab ye film, मतलब जो एक 20 सालों का इंतजार था तो क्या ये वरुण के लिए ही इंतजार था या बीच में मतलब आया था ख्याल की और ये इसकी गोद में गिर गया भाई मैं तो 30 साल पहले आया था ना 20 साल 28 साल लिए रुके थे बट ये आई मीन मेरे को ऐसा लगा कि ये राइट टाइम है इसके साथ बना सकता हूँ मैं